हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से मैकेनिज्म्स याद होने चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को ये शंका रहती है, डाउट रहता है कि क्या हमें सारे मैकेनिज्म्स आने चाहिए, क्योंकि देखिए जब ढंग से पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक में तो हम बहुत सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये जो सारे मैकेनिज्म होते हैं ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, आप समझ पाओ कि रियल में वो प्रोसेस हुआ कैसे है। मैकेनिज्म है क्या यार? मैकेनिज्म एक पाथवे है। मैकेनिज्म इज अ पाथवे जिससे आपको पता लगता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। समझ रहे हो ना? तो देखो, आप अगर मैकेनिज्म को लोड की तरह लोगे, अगर आप दिमाग पे परेशानी समझोगे और इतने मैकेनिज्म में इतनी परेशानी है, तब कभी भी ढंग से नहीं समझ पाओगे। आपको अप्रोच कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गाइज, ये तो बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फन, लेकिन तो मैकेनिज्म को पहली चीज तो ये लोड लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते हो हमारी ऐप जो है एटीपी स्टार, गाइस अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं की है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, वो लेक्चर्स आपको जो सीक्वेंस में मिल जाएंगे वहां पे आपको अप्रोच पता लग जाएगी कि मैकेनिज्म्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अगर वो आपको पसंद आते हैं गाइज, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें रेट जरूर करें प्ले स्टोर पे, आपका हर एक रेटिंग एंड रिव्यू बहुत बहुत मैटर करता है गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कौन कौन से मैकेनिज्म आपको याद होने चाहिए। देखिए, दो एग्जाम के टारगेट की बात हम बात कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं जेई की, एक हम बात कर रहे हैं नीट एंड एम्स की। पहले बात कर लेते हैं जेई मेंस एंड नीट की। ठीक है, देखो जेई मेंस और नीट की अगर हम बात करें तो हमें ब्रॉडर मैकेनिज्म्स आने चाहिए। यानी ब्रॉडर मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं तो हम इस तरह का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करते हैं, जैसे कि ये पाई बॉन्ड है, अब इसमें आप HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करो या इसमें वाटर ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इस तरह के ब्रॉड मैकेनिज्म जो एल्कीन के एल्काइन के होते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन यानी ये मैकेनिज्म जानने के बाद आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन के। तो भाई ये हो गया एक ब्रॉड टाइप का मैकेनिज्म, यानी ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। समझ गए, इसको मार्कोनिक भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो हमको क्या आना चाहिए, SN1 आना चाहिए। SN1 के अलावा SN2 आना चाहिए, SNI आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। SN1 के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि भाई इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है या रेसमाइजेशन होता है। SN2 में पता होना चाहिए इन्वर्जन कब होता है, क्या होता है। उसके अलावा अलग अलग रिएजेंट के मैकेनिज्म, जैसे LH एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको प्रोडक्ट भी बनाना आता है दैट इज मोर देन इनफ। समझ रहे हो ना? तो जो बहुत सारे रिएजेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे फंक्शन करते हैं, KNO4 कैसे करता है, PCC कैसे करता है, जोन्स रिएजेंट कैसे करता है, अरे यार आपको बस नॉलेज है तो बहुत है, प्रोडक्ट जानना काफी है। यानी मेजॉरिटी चीजों के लिए सिर्फ प्रोडक्ट जानना काफी होता है। मैकेनिज्म मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, उससे आपको फील आती है कि रियल में यार ये प्रोसेस हुआ किस तरीके से है। अब इसके अलावा ब्रॉड मैकेनिज्म्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल E1 हो गया एलिमिनेशन में, उसके अलावा E2 मैकेनिज्म हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में एक मैकेनिज्म होता है SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके अलावा अगर हम बात करें एसिड डेरिवेटिव का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, SNAE। समझ रहे हो? तो यार ओवरऑल आई होप आप समझ गए होगे कि हर एक कंपाउंड के कोरस्पॉन्डिंग जो जनरल मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो वो एडिशन होता है या एलिमिनेशन होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन में अगर हम बात करें तो नॉर्मली वो मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी मार्कोनिक ऑफ, या फ्री रेडिकल एडिशन भी मिल सकता है जो होता है परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन या साइनाइड की रिएक्शन बात कर सकते हैं। फिर अगर एलिमिनेशन की बात करें, एलिमिनेशन में बहुत कुछ नहीं है, एलिमिनेशन छोटू सा है। एलिमिनेशन में क्या है, E1 E2 बस इतना ध्यान रखना है, सिट्ज़ेफ हॉफमैन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन में काफी कुछ है, सब्स्टिट्यूशन में SN1 है, SN2 है जो हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर अल्कोहल ईथर में काम आता है। उसके अलावा SNAR एरोमेटिक में काम आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसके लिए काम आता है, हाँ ये आता है कहां पे,
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इन सब रिएक्शंस के अंदर, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ये काम आता है. ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ऐसे नहीं, जहां तक है ये आपको जितने भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, या फॉर एग्जांपल एस्टरिफिकेशन, एस्टर हाइड्रोलिसिस, ये सारी रिएक्शन एसएनएई में आ जाती है. यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, जिसमें दो स्टेप होते हैं, पहला एडिशन फिर एलिमिनेशन. अगर आपको ये ब्रॉड मैकेनिज्म पता है तो आपको क्या हो गया, आपको ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई. यानी एक कैटेगरी में बहुत सारी रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, तो आपको बस इन सब को तो जानना है यार, ढंग से इतना तो जानोगे ना यार, कम से कम ये ब्रॉड मैकेनिज्म्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. अब अगर आप जेई एडवांस की या एम्स की तैयारी कर रहे हो गाइस, तो आपको नेम्ड रिएक्शंस जो होती हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, रेमर टीमन रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, इस तरह की जो नेम्ड रिएक्शन सिलेबस में मेंशनड है गाइस, उन नेम्ड रिएक्शन का डिटेल आपको पता होना चाहिए. जैसे रेमर टीमन रिएक्शन में पहले फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, ओ माइनस से सी माइनस बनता है, फिर वो सीसीएल टू कार्बिन से रिएक्शन करता है, एरोमेटिसिटी लूज होती है, फिर एरोमेटिसिटी रीगेन होती है, फिर उसके बाद H2O निकलता है, और उसके बाद फाइनली एसिडिफिकेशन होती है. समझ गए आप सभी? तो मैकेनिज्म्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है. ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरमीडिएट के बेसिस पे आ जाता है कि बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट बने, जैसे कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है. तो जे एडवांस और एम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नेम्ड रिएक्शन का वो डिटेल आना चाहिए. लेकिन जहां तक सिंपल रिएजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वुल्फ किशनर रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, NH4HS का फंक्शन हो गया, SNHCl का हो गया, इतने सारे रिएजेंट्स होते हैं गाइज, उन रिएजेंट्स को एग्जैक्टली कैसे डील करना है उससे रिलेटेड मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना. लेकिन आप समझ रहे हो ना, उनका फंक्शन पता होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट कब यूज करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है. अगर आपको उतना आता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. Got it everyone? तो आई थिंक आज आपको जिंदगी में क्लैरिटी आ गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से मैकेनिज्म्स आपको याद होने चाहिए, किनकी रिक्वायरमेंट है, किनकी नहीं है. समझ रहे हो ना, जबरदस्ती छोटे छोटे रिएजेंट्स के मैकेनिज्म में अगर आप फंसोगे तो आपकी वाट लगेगी. याद रखना, लगे हुए हो HIO4 क्या करता है, कैसे करता है, क्रांतिकारी ना बने इतना ज्यादा. समझ रहे हो ना आप, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको. जो काम की चीजें नहीं तो वो भी याद नहीं रहेगा. मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, ये क्लियर होना चाहिए कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr में ही क्यों होती है. यानी इसमें क्लैरिटी रखो ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रेट किस पे डिपेंड करता है, RDS क्या होता है, SNAE जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर रेट किस स्किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, E1 E2 का रेट किस चीज पे डिपेंड करता है. यार ये ब्रॉड मैकेनिज्म्स टिप्स पे आपको होने चाहिए. Got it guys? तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अभी के अभी शेयर करें और लाइक करें, एंड आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की तलाश में मैं जरूर वेट करूंगा. एंड गाइज, अब तक अगर आपने ATP स्टार को डाउनलोड नहीं किया गाइज, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी के अभी डाउनलोड करें. एंड अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपको अच्छी लग रही होगी पक्की बात है, तो मेक श्योर आप प्ले स्टोर पर उसे रेट जरूर करें. आपकी हर रेटिंग एंड रिव्यू बहुत मैटर करता है गाइज हमारे लिए. ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर एंड लव you all.